एमएस इज इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि ये प्रोसीजर ना मुझे बहुत ख़राब लगता है, फीटस निकालना फिर उसको वो करना ना अननेसेसरी है। अगर आप एडल्ट से बोन मैरो ही निकाल लो, वो भी जिंदा है और काम भी चलता है, इतना तमा झाना भी नहीं होता। फीटस निकाल लेते हैं, कुछ दो पटरे दिए ना, आप एक में रख दीजिए। लाइट आएगा अच्छे से चरण, लाइट उसमें सब निकाल लेना मैक्सिमम टिश्यू वाले। ये टेंडन है ना? हाँ वो टेंडन है, बहुत फाइन होगा पत्ता, उसमें वो डाल दूँ क्या पीपीएस है ना, टेंडन भी टर्मिनेट होगा। टेंडन निकाल लिया, वो वैसा है ना, ब्लाइंड फोल्ड है यह है। चलो एक बार लगा देते हैं, दिख रहा है उसके नीचे ब्लड दिख रहा है। विटरिंग विटरिंग लगा के ड्रेसिंग करके इसको इसमें छोड़ दीजिए। वैसे तो एक मेथड और होती है, आप एमएससी के साथ भी कोकल्चर कर सकते हैं। तो हमने हाँ हमने बीटल से भी कमिट किया है, वो वाली बात है। अदरवाइज तो शांति को भी हमने कराया था ना, वो एमएससी एमएससी इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि ये प्रोसीजर ना मुझे बहुत ख़राब लगता है, फीटस निकालना फिर उसको वो करना ना अननेसेसरी है। अगर आप एडल्ट से बोन मैरो ही निकाल लो, वो भी जिंदा है और काम भी चलता है, इतना तमा झाना भी नहीं होता। वो इससे निकालना ना प्राइमरी कल्चर करना भी बहुत मुश्किल है, वो तो साफ सुथरा होता है बोन मैरो कराना, तो उसको थोड़ा बता देना एनिमल्स की केयर करनी होती है।
मैं चलूं दिव्या फिटस लेके इसका। सेलिकॉट नहीं किया ना किसी चीज़ में।
ले लेना, अगर डाउट है तो सारा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों है क्या साथ? हाँ निकला था।
लगाया था तुमने ब्लड Huh?